play by TF card. FM mode. AUX mode. Bluetooth mode. आज की वीडियो में दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं एक सैंपल स्पीकर को ब्लूटूथ यूएसबी प्लेयर, जो हमारे घर में दोस्तों अक्सर ही होम थिएटर रहता है पुराने टाइप का, उसके अंदर यूएसबी और ब्लूटूथ नहीं होता। तो आज बहुत ही सिंपल से तरीके से हम इसके अंदर ब्लूटूथ वाला कार्ड लगाएंगे। दोस्तों जो होम थिएटर है वो कोई भी हो, जैसे ये वाला 5.1 है और इसी तरह से एक मेरे पास ये और है, ये 2.1 वाला होम थिएटर है। और जहाँ पर लिखा गया है इनपुट लेफ्ट और राइट, ठीक है जी। और जो ये वाला है इसमें पहले से ही ऑप्शन दिए गए हैं टेप इनपुट लेफ्ट राइट, और ये वाला जो है VCD लेफ्ट राइट और MP3 लेफ्ट राइट। इसमें से हम कोई भी दो पेन ले लेंगे, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, और ये जो दोनों पेन होगी इसको हम सीधा जो हमारे पास ये वाला जो USB कार्ड है, USB ब्लूटूथ वाला कार्ड है, इसके हम लगा देंगे जी। इसका जो आप वाइट वाला जैक देख रहे हो, यह आउटपुट जैक है इसका, लेफ्ट और राइट दो चैनल जहां से आउटपुट होंगे, तो जहां पर हम लगा देंगे वो हम आपको दिखाते हैं। और जहां पर इसकी सप्लाई लगेगी, जो लाल कलर वाला जैक है 5 वोल्ट, लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बने हुए हैं, तो जो ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस मैंने मार्क की है इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो मुझे कैसे पता दोस्तों कि ये वाली रेजिस्टेंस ये इस पेन की है? इसका बिल्कुल एक मैं सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। आप इस तरह की कोई भी पेन ले लें जो ऑडियो वीडियो लीड में लगी होती है, ठीक है जी। तो जहाँ पर मैंने वो पेन लगा दी, अब जो इसका सेंटर वाला पॉइंट होगा, बाहर वाली इसकी जाली है वो तो अर्थ के साथ लग जाएगी, और जो इसका ये देखें रेड कलर है इसको और ये वाले पॉइंट को हम कंटिन्यूटी देखेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर रखेंगे और जो हमारी ये वाली पेन थी इसका जो सेंटर वाला सिरा था ये वाला था, पेन को रेड वायर लगाएंगे और दूसरी पेन हम इस तरह से यहाँ पर चेक करेंगे। जहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर 0 ओम दिखाई दे रही है मीटर की डिस्प्ले के ऊपर, तो हमारी ये वाली पेन है जो लेफ्ट वाली या राइट वाली ये है। उसके बाद हम वही पेन निकाल कर टेप की जो दूसरी पेन है इसमें लगाएंगे, और उसके बाद फिर वही तरीका है, एक प्रोब हम जो सेंटर वाली पेन है इसके ऊपर रखेंगे और जो दूसरी है वो रेजिस्टेंस के ऊपर देखेंगे। जहाँ पर देखें आपके जो इसकी वैल्यू है वो 0 ओम आ रही है, तो ये वाली दूसरी पेन है। अगर आप और कहीं पर भी रखोगे तो आपको यह वाली जो वैल्यू है ये देखें 15 के दिखाई दे रही है, और ये भी 15 के। अगर आप और किसी पर रखोगे तो ये देखें तकरीबन 30 के, और उसी तरह से अलग अलग यानी कि इसकी रेजिस्टेंस आएगी। ये वाली जो वायर है इसमें आप देखें एक रेड वायर है और एक ब्राउन और एक ब्लैक, तो हम जो सेंटर वाली वायर है ब्राउन वायर इसको हम यहाँ पर ग्राउंड कर देंगे, तो जो दोनों रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ दोनों वायर को। तो जो हमने यह वाली दोनों वायर लगाई है ये दोस्तों सबवूफर की वाइब्रेशन की वजह से, उसकी बेस की वजह से ये टूट सकती है, तो हम क्या करेंगे कि ग्लू गन से यहाँ पर ग्लू लगा देंगे ताकि वायर यहाँ से टूटे ना। तो यह वाली जो वायर है हमारी सेंटर वाली, इसको हम जहाँ पर जो इसका ये वाला जो बाहर वाला सिरा रहेगा यानी कि ये वाला इसका ग्राउंड है, तो इसके साथ हम जोड़ देंगे जहाँ पर हम कनेक्शन देख के बाद। तो इसका भी दोस्तों वही तरीका है जिस तरह से मैंने पहले दिखाया, आप जो जहाँ पर एक प्रोब रख लें इसकी बाहर वाली साइड, और जहाँ पर रेजिस्टेंस 0 आ जाए
वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि जहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 0 ओम आ रही है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों बात वही है, चाहे आप बाहर से इसको इनपुट दे दें, चाहे आप जहाँ से इसको इनपुट दे दें, तो काम इसने वही करना है। तो हम इसको इसीलिए जहाँ से ही इनडोर वायर लगा कर ही इसकी वायरिंग कर देंगे कि वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी काम है वो हमने पैनल के ऊपर ही करना है, आगे वाली साइड। तो इसको हम एक बार टेम्परेरी जहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद हम, तो मैंने जहाँ पर इसके कनेक्शन कर दिए हैं, 5 वोल्ट के लिए मैंने वाइट वायर लगा दी है और ग्राउंड के लिए ग्रे वायर, और लेफ्ट और राइट ऑडियो के लिए ब्लैक और रेड, और जो बीच में ब्राउन वायर है ऑडियो ग्राउंड के लिए, तो हमने वो वाले कनेक्शन पहले कर दिए थे। अब जहाँ पर हमने जो होल किया हुआ है, तो इसमें हम इस तरह से इसको फिटिंग दे देंगे, ठीक है जी, कार्ड को। और जो हमने 5 वोल्टेज देने हैं सप्लाई के इसको, तो इसके लिए मैंने जहाँ पर एक छोटा सा होल कर लिया है। तो अगर जहाँ पर हम दोस्तों ग्लू नहीं लगाएंगे तो यह वाली जो वायर है ये टूट सकती है। तो जहाँ से हम अच्छी तरह से इसके ऊपर ग्लू लगा देते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों हम जहाँ पर जैक भी लगाएंगे इसका, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। अब यह अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। हमने जो USB कार्ड लगाया था वो जहाँ पर लगा दिया, और जो इसकी वायरिंग मैंने आपको दिखाई थी 5 वोल्ट, तो वो मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट और ग्राउंड जहाँ पर लगा दिया है, और जो कार्ड था इसका डिस्प्ले वो मैंने इसके ऊपर कस दी है। जितने भी हमने इसके जैक थे वो वहाँ पर लगाने, तो जो जितने भी जैक जहाँ पर थे वो हम लगा देंगे। उसके बाद हम इसको चला कर एक बार देखते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी जो सैंपल स्पीकर है, जिसमें MP3 FM USB ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, म्यूजिक प्लेयर नहीं है, उसको आप म्यूजिक प्लेयर बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है बहुत बढ़िया होती है इन स्पीकरों की, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। Hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models, staccato, who fucking brought up the bottle, some gone ham, this ain't even luck.